बड़ी समस्या है तो ये है कि लोग बस शुरुआत करने के पहले ही डर जाती है। वो लोग तो बस एक्सक्यूज की एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट बना लेते हैं और कहते हैं कि इसलिए वो सफल नहीं बन पाए। क्यों वो लोग कामयाब नहीं बन सकते? अगर ये उनसे पूछेंगे तो फिर वो कहेंगे कि पहले से ही तो उस मुकाम पर बहुत सारे लोग सफल है, कोई ना कोई तो उसके शिखर पर बैठे हुए है। सच में ये हो सकता है कि आपने जिस लक्ष्य को चुना है वहां पर पहुंचना उतना आसान ना हो, पर वो नामुमकिन नहीं है। आप जहां जाना चाहते हो वहां बहुत ज्यादा भीड़ हो सकता है, पर उसके शिखर पर ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। जो बेस्ट होता है उसके लिए एक अलग स्पेस जरूर होता है। आपको अपने लक्ष्य को बेहतर बनाना होगा। आप जब सबसे बेस्ट बनोगे, आप जो कुछ भी करेंगे वही बेस्ट होगा। आपको खुद को हर वक्त ग्रो करना होगा। हर वक्त आपको खुद के अंदर झांक कर देखना होगा और खुद को अनुसंधान करना होगा। और जब आप ऐसा लगातार कॉन्सिस्टेंटली करते रहोगे तभी तो आप धीरे धीरे बेस्ट बनते जाओगे। सफल लोग हमेशा से अपने सबसे ज्यादा पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए तैयार रहते हैं, और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तब वो अपने पोटेंशियल के लेवल को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। जब वो एक पहाड़ को हिला देते हैं तब वो और एक पहाड़ को हिलाने के बारे में सोचते रहते हैं। वो जीवन की कोई भी चैलेंजेस से दूर नहीं भागते हैं। 1984 से पहले बहुत बड़े और अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर थे, पर जब माइकल जॉर्डन ने मैदान पर उतरे तब तो पूरा खेल ही बदल गया। और इसीलिए मैंने कहा था कि बेस्ट के लिए हर एक फील्ड में अलग जगह जरूर होती है। आपकी जो भी पैशन है अगर आप उस पर बेस्ट बनना चाहते हो तो फिर आप वो जरूर बनोगे। आप अगर हार नहीं मानोगे जब तक ना जीत जाओ तो फिर जीतने के अलावा आपके पास और दूसरा कोई भी रास्ता ही नहीं है। ज्यादातर लोग तो शुरुआत ही नहीं करते हैं, और कुछ लोग अगर शुरुआत करते भी है तो फिर वो लोग बहुत ही आसानी से हार मान लेते हैं। जब कुछ लोग अपने लक्ष्य का पीछा करते हैं तब उन्हें इतना दर्द होता है कि उन्हें लगता है कि अब हार मान लिया जाए। लेकिन मेरे भाई, आप किसी को भी हरा सकते हो अगर आप खुद से एक कमिटमेंट करोगे कि आप अपने आप को अपना बेस्ट वर्सन बनाओगे। आप जीवन में क्या अलग कर सकते हो? आप जीवन में क्या बेटर कर सकते हो? आप क्या अब दर्द झेलना चाहते हो बाद में जीतने की गर्व को महसूस करने के लिए? बड़ा सपना देखो, बड़ा विश्वास रखो। सफलता के शिखर पर कोई भी भीड़ नहीं होता है। आपके लक्ष्य में पहुंचते वक्त ये मत सोचते रहो कि क्या गलत होगा। एक जोश के साथ काम करो और जितना हो सके ठीक करने की कोशिश करते रहो। आप अगर अपने समस्याओं के तरफ गौर करते रहेंगे तो फिर आप और ज्यादा समस्याओं का सामना करते रहेंगे। लेकिन आप अगर पॉसिबिलिटीज पर फोकस करेंगे तो फिर आप और ज्यादा मौके ढूंढ पाएंगे। और इसीलिए पॉसिबिलिटीज के ऊपर फोकस करो, और आपके भविष्य में जो सारे मौके आने वाले हैं उसके लिए तैयार रहो, क्योंकि उसके ऊपर आपको काम करना होगा। हर फील्ड में बेस्ट के लिए अलग जगह जरूर होते हैं, लेकिन आपको आपके अंदर एक विश्वास रखना होगा और आपका साफ एम्बिशंस रहना होगा कि आप जो चाहते हो वो बिल्कुल ही पॉसिबल है। आपको ये जरूर कोशिश करना होगा कि लोग जो कर रहा है उससे बेटर क्या किया जाए, लोगों से अलग क्या किया जाए। और अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए बेस्ट बनना संभव नहीं है। आपको काम करना होगा और अपने अंदर सारे स्किल्स को हासिल करना होगा। आप ये कर सकते हो और ये इम्पॉसिबल नहीं है। आप अगर तब तक नहीं हारोगे कि जब तक ना जीत जाओ तो फिर आप कभी भी नहीं हारोगे। आपको किसी से मांग कर कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको जो चाहिए वो आपको हासिल करना होगा। अगर आपने सुना है कि 99% लोग फेल हो गए हैं, तब आप अपने अंदर हिम्मत और विश्वास मत हार जाना। खुद पर विश्वास रखना कि आप 1% के अंदर हो। उसमें कोई संदेह नहीं है कि आप उन 1% के अंदर रहोगे। वो अभी नहीं भी हो सकता है, वो कल भी नहीं हो सकता है, पर आखिर में आप जरूर जीतोगे। अपने आप से कहो
कि दुनिया में चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप सेटल नहीं होंगे। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपके सपने कितना ज्यादा बड़ा है। हर फील्ड में बेस्ट के लिए अलग जगह जरूर होता है। जब लोग पहले ही अपने लक्ष्य को स्थिर करते हैं, तो फिर पहला समस्या यही आता है कि वो लोग उस फील्ड के एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को देखती रहती है और खुद से कहती रहती है कि मैं वो नहीं कर सकता। असल में वो अपने सपनों का पीछा कर हार नहीं जाती है। वो जिस फील्ड में काम करने के बारे में सोचते हैं, उस फील्ड में लोगों की भीड़ देखकर वो सोचते हैं कि मेरे आवाज इस भीड़ में तो कोई भी नहीं सुनेगा। लेकिन आपको ये सब भूल कर भी नहीं देखना है। मार्केट में बेस्ट चीज का वैल्यू हर वक्त रहता है, और इसीलिए आपको हर रोज खुद को बेटर बनाते जाना होगा। आपको अपने स्किल्स को डेवलप करते जाना होगा। आप अब जहां पर हो और आप जहां पर जाना चाहते हो, उसके बीच में एक लंबा गैप है, और इस गैप में ही आपके स्किल्स को डेवलप करते जाना होगा। और जब आप अपने स्किल्स को हासिल करोगे जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहिए, तभी आपके जीवन में कुछ मैजिकल होने लगेगा। आप जिस फील्ड में अपने आप को बेस्ट बनाना चाहते हो, आपको उसमें बाकियों से अलग करना होगा। आपको हर वक्त अपने आप से ये सवाल बस पूछते ही जाना होगा कि आप क्या बाकी में बेस्ट हो। क्या आप जो कुछ भी कर रहे हो वो अपना पूरी ताकत से कर रहे हो खुद को बेटर बनाने के लिए? और यही वो चीज है जो एक अच्छा और एक महान इंसान में फर्क बनाता है। जब लोग अपने मन में ये बदलाव लाते हैं और वो जो है उससे अलग कुछ बनने में फोकस करते हैं, और खुद के हर एक नाकामयाबी को ढूंढ लेते हैं और अपने अंदर वो सारे चेंजेस करने के बारे में सोचते हैं जो उनको आगे बढ़ने के लिए मदद करे, तब उनके जीवन में बदलाव जरूर आती है। आपके अंदर जब कामयाब बनने की भूख होगी, तब आप अपने स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करने लगेंगे, क्योंकि आपको जीवन में जो चाहिए उस पर आपको काम करना होगा, और तभी आपके सपने सच होने लगेंगे। आप अगर सफलता के बारे में सोच रहे हैं, नाम और पैसों के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर आप सफल नहीं बनोगे, क्योंकि आपके टाइम, एनर्जी और अटेंशन गलत चीजों के तरफ जा रही है। आप असल में सफल होने के बाद क्या मिलेगा वो सोच रहे हो, सफल बनने के लिए आपको क्या करना होगा वो नहीं सोच रहे हो। आप अगर अपने ऊपर काम करने लगेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके सपने कितने बड़े बड़े हैं, आप उसे वास्तव का रूप दे सकते हो, क्योंकि हमेशा जो बेस्ट होता है उसके लिए अलग स्पेस जरूर होते हैं।